जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। जैसा कि आप सभी लोग बहुत दिनों से परेशान हो कि हमारा फॉर्म है वो झारखंड पुलिस का रिजेक्ट हुआ है, क्या एक्सेप्ट कर लिया है, क्या सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम कैसे चेक कर, और हमारा जो फिजिकल है वो कब तक होगा, और कौन से लोग हैं वो फिजिकल की तैयारी ना करें, तो सारी जानकारी आपको A to Z इस वीडियो में बताने वाला। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड पुलिस से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास अपडेट आएगी तो सबसे पहले मेरे द्वारा वो अपडेट आपको दी जाएगी। इससे पहले मैं यू पुलिस के रिलेटेड अपडेट देता था, लेकिन अब मैं देखने वाला हूँ कि झारखंड पुलिस के भी काफ़ी अभ्यर्थी जो लगातार कमेंट करके झारखंड पुलिस की भी अपडेट दिया करो, तो मैं अब आपको झारखंड पुलिस से अप टू डेट रखने वाला हूँ, कोई भी जानकारी वो आपको मिस नहीं होगी। तो सबसे पहले आप लोग परेशान हो कि आपका जो फॉर्म है वो क्या है, सक्सेसफुल सबमिट हुआ है कि या रिजेक्ट कर दिया गया, ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमारा फॉर्म में गलती थी और वो सक्सेसफुल दिखा रहा है तो क्या हम लोग फिजिकल में बाहर कर दिए जाएंगे कि नहीं कर दिए जाएंगे, तो A to Z आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलिएगा, तो गूगल पर आपको टाइप करना है, ये आपको जो वेबसाइट देख रही है ये आपको गूगल पर टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ से जो पहली लिंक है, क्या ये जो पहली लिंक है झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल कम्पिटेटिव एग्जाम 2023, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलेगा। अब आपको वहीं यहीं पर सब कुछ आपको ध्यानपूर्वक देखते चलना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मिस करोगे तो समझ लीजिएगा कि आप फॉर्म में आपका सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आप चेक ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है एप्लीकेशन एडिट और कैंडिडेट लॉगिन प्रिंट एप्लीकेशन, तो बस आपको इसी जो दो नंबर की जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको कुछ जानकारी है वो सबमिट करनी है, उसके बाद है वो आपको पता चल जाए कि आपका फॉर्म है क्या वो रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये जो आपको कैप्चर दिख रहा है वो डालना है, और जैसे ही आप इसके सब कुछ फिल करने के बाद जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो नाम था वो लिख करके आ जाएगा, हाँ, और आपको दिखने लगेगा कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुल सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, यहीं से आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। अगर आपका फॉर्म में गलती थी और वो गलती क्या थी, आपके नाम में, ये आप लोगों को पता है नाम में गलती थी, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में नाम है डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है, तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को फिजिकल देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिजिकल देने को आप लोगों को सबको मिलेगा जिसका यहाँ पर फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट दिखा रहा है, क्योंकि करेक्शन डेट आने के बाद भी, क्योंकि आप लोगों ने गलत हो गए थे करेक्शन कर लिया है लेकिन फिर आपको जो प्रिंट निकाला है वहाँ पर आपको सही नहीं दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एकदम हर एक जानकारी आपको एकदम स्पष्ट रूप से आपकी सही दिख रही है। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके जानकारी है वो गलत दिखा रही है, तो उन लोगों को फिजिकल के टाइम जब आपका फिजिकल जिस भी सेंटर पर होगा वहाँ जा कर के आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाओगे और आधार कार्ड से आपकी सब कुछ मिलान किया जाएगा। वहाँ पर अगर आप सही मिलते हैं और आपकी डिटेल खुल करके आएगी तो वहाँ पर आपका सब कुछ एकदम सही निकलता है, तो आपको फिर फिजिकल देने को मिल जाएगा। हाँ, और बहुत से कैंडिडेट हैं वहीं पर फिजिकल में बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके में गलती है। लगभग 3 से 4 लाख बच्चों के फॉर्म है वो रिजेक्ट किए गए इस बार झारखंड पुलिस में, और आप देख रहे हैं कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि झारखंड में इतने अधिक मात्रा में वो फॉर्म पड़े हैं। क्यों पड़े हैं, आप देख रहे हो कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और झारखंड में अदर स्टेट वाले बच्चों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, असम तक के बच्चे भी इस झारखंड पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए आ रहे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से चेक कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, एक मेन बात ये रह गई कि आप लोग लगातार परेशान हो कि झारखंड पुलिस का फिजिकल कब होगा कब होगा, तो फिजिकल बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आप लोग फिजिकल भी नहीं निकाल पाओगे। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, आप लोग कहोगे तो आप ऐसे क्या बोल दे रहे हैं, तो आप जब तक फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो आप फिजिकल कैसे निकाल पाओगे।
आप लगातार यहाँ वहाँ भागते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे यूट्यूब पर, पहले फिजिकल की तैयारी भी तो साथ साथ करते चलो। जिस दिन फिजिकल होगा उस दिन आपको जानकारी मिल ही जाएगा, यूट्यूब पर हर एक वीडियो आपको मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको हर एक जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।